हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है लेकिन आप एसएमएस के थ्रू अपना बैंक बैलेंस जानना चाहते हैं लेकिन आपका जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर नहीं है, कुछ इस तरीके से आपके सामने मैसेज शो होता है अगर आप मिस कॉल करते हैं तो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एसबीआई अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं ताकि आप उसके थ्रू अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस जान सके। तो गाइस, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, फिर देर ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, फिर मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है अगर आपका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो, ताकि आप मैसेज के थ्रू अपना बैंक बैलेंस जान सकें। तो गाइस, इसके लिए चलना पड़ेगा हमें मोबाइल के स्क्रीन पर। तो चलिए फिर हम मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं, मैं आपको बता देता हूं प्रैक्टिकली करके कि कैसे आपको अपना नंबर रजिस्टर करना है। तो चलिए फिर हम चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। तो गाइज, यार हम मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो गाइज, अगर आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट बैलेंस जानने के लिए जब इस नंबर पे कॉल कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है कि योर मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो गाइज, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर अपने बैंक अकाउंट में रजिस्टर करना है ताकि आप मैसेज के थ्रू अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस जान सकें। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जब आपके सामने कुछ इस तरीके का मैसेज देखने को मिल जाता है तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जो आपका ये नंबर है नीचे की साइड में यहाँ पे दिख रहा होगा एक नंबर है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक मैसेज दिख रहा होगा, ठीक है, उस मैसेज में एक नंबर भी दिख रहा होगा आपको। तो सिर्फ आपको नंबर नंबर कॉपी कर लेना है। नंबर कॉपी करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे कंपोज मैसेज में आना है, यानी कि न्यू चैट जो होता है, ठीक है, आपको वहाँ पे ये नंबर पेस्ट करना है जैसे कि हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट में आना है, और टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है REG, ठीक है। REG लिखने के बाद आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल कर देना है। जब यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल करेंगे उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक मैसेज रिसीव होगा। यहाँ पे हमारा जो मैसेज है वो आ चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम इस मैसेज को ओपन करेंगे तो नीचे क्या लिखा हुआ है आपको देख सकते हैं, डियर SBI कस्टमर, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड टू 4 SBI क्विक फैसिलिटी, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका मोबाइल नंबर जो है रजिस्टर हो चुका है। बस आपको एक बात का ध्यान देना है कि आपको उसी मोबाइल नंबर से मैसेज करना है जो आपका बैंक अकाउंट में लिंक है, ठीक है। तो गाइस, अगर आपको ये नहीं पता है कि कैसे आपको मैसेज के थ्रू अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस जानना है तो ऊपर आई बटन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।